Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। अरे पिता, वो कवच झांसी नरेश गंगाधर राव का है और वो उसे ढूंढ रहे। कहाँ रखा तूने? कहीं गिरा तो नहीं दिया ना? अनु, अरे कहाँ गिरा दिया? हमारी बेटी के हाथों में मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। फिर तो मैं पुरस्कार भी मिलना चाहिए। अवश्य। इसे गरीबों में बांट देना। हमारी बेटी अब थोड़ा सा विश्राम करेगी। आप सभी लोग शाम को आइएगा। आओ बेटा। बाबा, मैं तो स्वयं ही नहीं समझ पा रही हूँ कि वो कवच कहाँ गिर गया होगा। अनु, तुझे अभी तक आभास नहीं है, वो कवच झांसी नरेश का है। उनकी स्वर्गवासी पत्नी ने उन्हें दिया था, उन्हें अत्यंत प्रिय है वो, और उन्होंने इसी महल की किसी कन्या के गले में वो देखा है। परंतु बाबा, वो कवच तो हमें गंगा मैया से मिला था। अरे मिला होगा, परंतु अब कहाँ है, ढूंढ उसे। इससे पहले कि श्रीमंत सरकार काशी नरेश को तो बारात लाने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाए, उस कवच का मिलना अति आवश्यक है, अन्यथा बात बहुत बढ़ जाएगी। हे देवा, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। इस बार तेरी विवाह के समय कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो हम जीवित नहीं रहते। हर कन्या एक न एक दिन अपने पिता से अलग होकर एक नया और सुखमय जीवन शुरू करती है। चलता हूं, भारत को निमंत्रण पत्र देना है। आप तो जानते हैं मोरूपंत, हमें जिनसे बात करना भी पसंद नहीं, आज उनकी बात सुननी पड़ेगी। सर, ये क्या कर रही है? क्या ढूंढ रही है? नहीं, वो क्या है ना, ये बैठक अस्त व्यस्त था ना, तो हम ठीक कर रहे थे। अरे वहीनी साहब, आप भी ना किसी से कह दीजिए, वो कर लेगा। मुरुपान जी, मेरे साथ चलो। काशी नरेश को बारात लाने का निमंत्रण देने जा रहा हूं। अभी से क्यों? मेरा मतलब है, दोपहर में तो बाराती विश्राम कर रहे होंगे। वहीनी साहब, विवाह में विश्राम कैसे? अभी ये सब कुछ छोड़िए और अपनी तैयारी कीजिए। हाँ मोरूपंत, पंडित जी से मिलकर फेरों का शुभ मुहूर्त पूछ लीजिए, ठीक है?
जी श्रीमान सरकार। उस कन्या का मिलना अति आवश्यक हो गया है रघुनाथ। अब तुम्हारा केवल यही काम है कि किसी भी तरह कवच को प्राप्त कर दे। महाराज, हमने मोरोपंत को अच्छी तरह से समझा दिया है, वो निश्चित रूप से उस लड़की को ढूंढ लेंगे। यही उन सब के लिए उचित भी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि महल में एक लड़की हमारा कवच पहन के घूम रही है और महल वालों को पता तक नहीं? क्या बात है महाराज? मधुपक्ष की ओर से बारात नियंत्रण की प्रथा आरंभ होने जा रही है। काशी नरेश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। आदरणीय काशी नरेश, शामक राव जी, आप अपने सुपुत्र एवं गणमान्य भारतीयों सहित हमारे यहाँ सादर आमंत्रित है। अभी ये निमंत्रण अपने पास ही रखिए। हम आपका आशय नहीं समझे। आप सब कुछ समझ रहे हैं परंतु समझना नहीं चाहते। हम अपने परम मित्र झांसी नरेश, माननीय गंगाधर राव का सिद्ध कवच जो आपके महल की किसी कन्या के पास है, सबसे पहले उसे भिजवाइए, फिर हम आपका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। शामक राव जी, आपको क्या हो गया? एक साधारण कवच के लिए आप हमारा आमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं? साधारण? जो वस्तु किसी को अत्यंत प्रिय होती है वो साधारण नहीं होती। अत्यंत मूल्यवान से, प्रिय से। अभी ये बाजीराव पेशवा इतना लाचार नहीं है। वैसे एक तो क्या हजारों कवच अपनी पुत्री पर न्योछावर कर सकता है? हजारों नहीं, लाखों कवच निछावर कर सकते हैं श्रीमंत बाजीराव पेशवा साहेब। परंतु असीम प्रेम श्रद्धा और भावनाओं से वो पुत्र सिद्ध कवच को अंग्रेजों से पाई पेंशन के टुकड़ों से खरीद नहीं सकते। वाह वाह, नियति भी कैसे कैसे खेल खेलती है। जिनके पूर्वज कभी हमारे दरबार में खड़े होकर थर थर कांपा करते थे, आज वही खून भरी सभा में हमारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का दुस्साहस कर रहा है। हम अपने आदरणीय मित्र का और अपमान नहीं सह सकते। हमें तुरंत वो कवच चाहिए, अन्यथा ये बारात वापस चली जाएगी। देवा, क्या करो, कहां ढूंढो उसे? अब तो कोई चारा नहीं बचा। मुझे झांसी नरेश से ही बात करनी पड़ेगी, नहीं तो इंदु दीदी के विवाह में नहीं, नहीं।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।